खासकर युवा लोग बेरोजगार हैं, उन पढ़ाई तो कर चुके हैं, बहुत सारी अच्छी डिग्री भी उनके पास है, बट वो बेरोजगार, नौकरियाँ उनके पास नहीं है। बस ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये मेन सेफ्टी का भी इशू होता है जो कि सबको लेके चलना है, मेन सेफ्टी पे भी सब कोई ध्यान दे। तो मेन मेरा वही था कि ऐसा कोई सरकार आए जो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करे हमारे शहर में। उसी तरह से बाकी जगह भी हम चाहते हैं कि जितना टूरिज्म प्लेस है झारखंड का नाम हो और सब कोई आए यहाँ पे विजिट करे, पता चले कि झारखंड कितना खूबसूरत है। कुछ में हमको कमी नहीं देखा हेमंत सोरेन की तरफ से, तो इसलिए उनको ही। आजकल मर्डर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, गोलीकांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी दहशत में। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। अभी हम आए हुए कांके विधानसभा क्षेत्र में बरियातू सेंटर में बूथ नंबर 371, जहां मतदाता से जानेंगे वो मतदान किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सबा अल्तमस है। आप वोटिंग के किस मुद्दे को लेकर? मुद्दा तो बस विकास होना चाहिए, विकास, रोजगार। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं अभी, तो उन्हें रोजगार की बहुत ज़रूरत है, खासकर युवा लोग बेरोजगार हैं। उन पढ़ाई तो कर चुके हैं, बहुत सारी अच्छी डिग्री भी उनके पास है, बट वो बेरोजगार, नौकरियाँ उनके पास नहीं है। तो मेरा यही रहेगा कि नौकरी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में गायब रहे अभी वाले में? कुछ कुछ चीज़ें गायब रहती हैं, जैसे कि सुरक्षा, हर लोगों की सुरक्षा, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो बड़े लोग हों, बूढ़े बुजुर्ग, चोरी, डकैती, बहुत सारी चीज़ें, रॉबरी सब होती हैं, दिन दहाड़े किसी को गोली मारी जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें ध्यान रखना है उस चीज़ों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जया अल्तमस है। आप भी वोट कर चुके हैं? जी हाँ जी। तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि एरिया वाइज डेवलपमेंट हो। जैसे सपोज बरियातू को ही आप ले लीजिए, एक एरिया बहुत थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ये है, यहाँ पर कुछ बेसिक फैसिलिटी के अभाव है, जैसे कि साफ सफाई की कमी है। तो जो यहाँ पे चुने जाते हैं उम्मीदवार, उनसे उम्मीद है कि वो ज़रा सा साफ सफाई पे ध्यान दे, ये तो बेसिक है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि युवाओं के लिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर लिविंग ग्रेसफुल लाइफ। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट पे सभी कोई बात किए हैं। ये बस वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये मेन सेफ्टी का भी इशू होता है जो कि सबको लेके चलना है, मेन सेफ्टी पे भी सब कोई ध्यान दे, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट की तो सब बात कर ही रहे हैं। आपने वोट कर दी? हाँ, कर दिया मैंने वोट। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? क्या मुद्दा रहा वोटिंग? मेन मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है सिटी का, क्योंकि जैसे कि आज कल आप देख रहे हैं फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, तो मेन मुद्दा ये है कि रांची का डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे कि रोड वगैरह भी आपने देखा कि ख़राब चल रहा था, यू नो, उसका सिचुएशन, बहुत टाइम लगा उसको बनने में। तो मेन मेरा वही था कि ऐसा कोई सरकार आए जो डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करे हमारे शहर में। यहाँ पर जैसे कि झारखंड के जितने भी लोग हैं, युवा हैं, जितने भी लोग ने इंजीनियरिंग या कुछ भी किया है क्षेत्र में, बाकी सब क्षेत्र में भी, वो लोग दूसरे शहर जाते हैं रोज़गार करने के लिए। और जो लोग इवन कॉमन बीए, बीकॉम, वो सारे शिक्षा में क्षेत्र स्ट्रीम में कर रहे हैं, वो लोग भी बाहर ही जाते हैं आजकल जॉब ढूंढने के लिए। यहाँ पर रोज़गार रह नहीं गया, मिल नहीं रही है। यस, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा तो नेहा नाम है। किस मुद्दे को लेकर वोट किया? हम जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें रहती है, पार्क रहता है, अलग से व्यवस्था लोगों के लिए। तो इस तरह का मुद्दा, हम जैसे कि पतरातू में डेवलपमेंट अभी हुआ बहुत अच्छा है, तो उसी तरह से बाकी जगह भी हम चाहते हैं कि जितना टूरिज़म प्लेस है झारखंड का नाम हो और सब कोई आए यहाँ पर विज़िट करे, पता चले कि झारखंड कितना खूबसूरत है। सब हिमाचल प्रदेश जाता है, यहाँ जाता है, लेकिन झारखंड का खूबसूरती तो अलग ही बात है। चुनाव में ऐसे भी मुद्दे रहे हैं जो गायब रहे, जैसे कि महिला सुरक्षा को लेकर। हाँ, महिला सुरक्षा के लिए, हाँ, वो मुद्दा गायब रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम चाहते हैं कि महिलाओं को कुछ सुरक्षा दी जाए और कुछ सहायता राशि भी दी जाए हर महीना, जिससे कि महिला मतलब मजबूत से खड़ा हो सके और अपने आत्म पैर में निर्भर हो सके, अपने पैरों पे। मेरा नाम तारिक अल्तमस हुआ। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट? मैं तो अपने राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर वोट डाला, विकास के, और मेन मुद्दा हमारा यही है, साथ में सामाजिक सुरक्षा, और इसको लेके मैं वोट डाला हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा वोट एक सही कैंडिडेट को गया है। सब लोगों को वोट तो देना चाहिए, वोट का अपना जो मताधिकार का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम निलोफर बानो हुआ। आप किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं? वोट कर दिए हैं? जी, कर दिए हैं। कर दिए हैं जी। तो क्या मुद्दा रहा वोटिंग का? वोटिंग का मुद्दा ये रहा कि सब चीज़ अच्छा ही हो रहा है,
मैंने हमारे लिए जो जो किए हैं या लॉकडाउन रहा हो या कुछ भी रहा हो तो अच्छा ही से किए हैं, कुछ में हमको कमी नहीं देखा हेमंत सोरेन की तरफ से, तो इसलिए उनको ही सिलेंडर नहीं मिला, मगर और सब बहुत सारी चीज़ें हैं चली, उसमें कुछ कुछ फ़ायदा दिखा। ऐसा नहीं है कि 1,000 दे रहे हैं उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ है जो हम लोग को ठीक लगा। विकास की योजनाएं हुई जी। सर आपका क्या नाम है? गुलजार आलम। आपने भी वोटिंग तो कर चुके होंगे? हाँ वोटिंग कर चुके हैं। क्या मुद्दा रहा सर वोटिंग का? वोटिंग का मुद्दा है कि एक नारी सेफ्टी भी बड़ा इशू है जो अभी पहले से बेटर है ये, और अगर विकास इससे बढ़कर हो तो ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन पे फोकस डालना चाहिए, प्लस बेरोजगारी जो एक बड़ी समस्या है लोगों को, वो बेरोजगारी पे सरकार को मेन फोकस बेरोजगारी पे होना चाहिए, क्योंकि अगर बेरोजगारी अगर दूर होता है तो सारा मसला दूर हो जाएगा, वो ना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना 400 की सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। सर ऐसे चुनाव में कौन कौन से मुद्दे जो ऐसे मुद्दे रहा जो चुनाव में उठाए ही नहीं गया? वो वही बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, हाँ, क्योंकि सबसे महंगाई का मुद्दा, महंगाई जो ये मेन मुद्दा है वो चीज़ को नहीं इशू नहीं बनाया जा रहा, ये तो सिर्फ बीजेपी का ये अपना पर्सनल इशू हो रहा है, जो मुद्दा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, एक्चुअल मुद्दा को घुमा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आने जा रही है इस तारीख में? देखिए चल रहा है नॉट एट ऑल, इस पर तो कुछ बता नहीं पाएंगे हम लोग, अगर जो भी आए बेटर, अगर पब्लिक के लिए अच्छा काम करे बस यही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? फला। वोट डाल चुके हैं? हाँ जी। ये तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? सोसाइटी में जो चेंज ही ना हो रहा है, आजकल मर्डर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, गोली कांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी दहशत में हैं। तो अब जो सरकार आए उससे यही है कि वो महिलाओं प्लस जेंट्स जो भी हैं झारखंड वासी उनकी सिक्योरिटी का ध्यान दें, हम लोग खुल करके बाहर निकल सके, शाम में ड्राइव कर सके, आराम से हर जगह जा सके, मेन मुद्दा यही है। और क्या एजुकेशन, एज अ गर्ल हम तो एजुकेशन को ही सपोर्ट करेंगे, सरकारी स्कूल अच्छा होना चाहिए, बच्चे सेफली पढ़ सके, अच्छे से रह सके, ये ज़्यादा अच्छा है। मैम आपका क्या नाम है? आपका क्या मुद्दा रहा वोटिंग का? वोट करने का यही कि विकास अच्छा हो और अच्छा एजुकेशन बच्चा लोग को मिले, और अच्छा मतलब जैसे हो गया हॉस्पिटल कॉलेज अच्छा हो, बच्चा लोग ताकि पढ़ सके अच्छा से, कुछ आगे अच्छा बन सके, इसलिए हम लोग अपना सरकार चुने। मोहम्मद सरवर रजा। आपने वोट डाल दिए तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला? अच्छा हो, जो भी सरकार बने, काम हो, अच्छा काम हो, विकास हो, और क्या। आप सीनियर सिटीजन हैं जो चल नहीं पाते उनके लिए व्हील चेयर का यहाँ है व्यवस्था? जी नहीं। नहीं है? जी नहीं। सुरक्षा नहीं है? नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या कहना यही चाहेंगे कि जो चीज़ नहीं है अवेलेबल उसको अवेल किया जाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद महफूज आलम अंसारी। आप वोट किए तो किस मुद्दे को लेकर वोट किए सर? हम बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई पर तो कोई बात ही नहीं कोई कर रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर शहर में जो इंतज़ाम होना चाहिए या कहीं पर भी जो इंतज़ाम होना चाहिए शहरी के लिए, एक अच्छे किस्म का सुरक्षा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद मोहसिन आलम। आप वोट कर चुके हैं तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? महंगाई। सिर्फ महंगाई? बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी, और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है कोई ऐसी मुद्दा जो चुनाव में छूट गया हो? बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो गायब हो चुका है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखिए बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, किसान है, बहुत सारा मुद्दा ऐसा है जो खत्म हो चुका है। अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर करे सरकार, जो जिस मुद्दे पे वोट दिए हैं इंशाल्लाह खरा उतरे इस मुद्दे पे वो, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से इस सरकार को हम लोग चुने। नाम अली पठान हुआ। आप वोट किए हैं? वोट कर चुके हैं। तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा है अवेयरनेस को लेकर किया हूँ।
वैसे मुद्दे जो चुनाव में गायब रहे? बहुत सारे मुद्दे गायब रहे, युवा बेरोजगारी के मुद्दे गायब रहे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आने चाहिए जो धरातल पे, वो अभी तक आए नहीं। आप ना, आपके पास ना मैनिफेस्टो है ना कुछ, और आप बोल रहे हैं तो ये तो हवा हवाई वाली बात हो गई। वही हुआ मोदी जी का 15 लाख आज तक अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं है, इसी को बोल सकते हैं। आदमी अपने सूझ से समझ से और अपने मतदान का सही से उपयोग करे और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, यही मेरी बात रहेगी। तो लोकतंत्र के महापर्व में आज काके विधानसभा क्षेत्र के बरियातू में बूथ संख्या 369, 370 और 371 के मतदाताओं से हमने जानने की कोशिश की कि उनका मतदान किस मुद्दे को लेकर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।